ये देखिए यहाँ पर एक पाइथन का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आया है सीबीएसई में, ठीक है। तो सीबीएसई में यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देखिए जरा, इसका आंसर आप बताने की कोशिश कीजिएगा कि इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसमें ओशियन व्यू लिखा हुआ है, वो कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में है, फिर यहाँ बी कैपिटल में। लेकिन यहाँ पे प्रिंट में देखिए क्या दिया गया है, लिखा गया है एस एट, यानी एट इंडेक्सिंग की बात हो रही है। तो आठ को है कि नहीं है गिनना पड़ेगा, तो यहाँ पे गिनते हैं। ये ओ से शुरू हो रहा है तो ये जीरो हो गया, सी वन हो गया, ई टू हो गया, ए थ्री हो गया, एन फोर हो गया, बी फाइव हो गया, आई सिक्स हो गया, और ई सेवन और डब्ल्यू एट, यानी डब्ल्यू से स्टार्टिंग होगी। यानी इसका आउटपुट में शुरुआत कहां से होगी, डब्ल्यू से होगी, ठीक है। अब डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, तो यहां कहा गया है प्लस एस टू से स्टार्ट करके लास्ट तक जाइए। यहाँ पे कोई भी इंडेक्सिंग लास्ट में मेंशन नहीं करी गई है, इसका मतलब है कि टू से लेके लास्ट तक जाइए। तो जब टू से लेके लास्ट तक जाएंगे तो ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, यानी ई से स्टार्ट होगा और ई से लेकर ये पूरा व्यू तक, पूरा ये डब्ल्यू तक प्रिंट हो जाएगा। यानी आगे का आउटपुट में क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है, फिर ए आएगा, फिर एन आएगा, और फिर बी आएगा, आई आएगा, ई आएगा, डब्ल्यू आएगा, ये पूरा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में कह रहा है ना कि स्ट्रिंग की लेंथ को प्रिंट करा दीजिए। एस की लेंथ क्या है भैया, एस की लेंथ जो है ये एस है, ठीक है, और एस की लेंथ कितनी है, तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो एट है, तो यहां पे एट आएगा। तो अब देखिए किस तरीके से, इसकी लेंथ क्या है, एस की लेंथ पूछ रहा है ना, तो एस की पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, एस की पूरी लेंथ हो जाएगी नाइन। कैसे नाइन होगी, क्योंकि लेन लगा है ना, तो हम वन से काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो यहां लेंथ आ जाएगी नाइन, ठीक है, तो ये नाइन हो जाएगा। तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं, चेक करते हैं कि आ रहा है कि नहीं आंसर हमारा। तो यहां से चलाया तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे बिल्कुल वही चीज डब्ल्यू ई ए एन जैसे मैंने लिखा हुआ है, और बी आई ई डब्ल्यू, और यहां पे नाइन आ रहा है, तो जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के प्रश्न आएंगे हर बार, और सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा सॉल्व करने की आपको टेक्निक आ जाएगी, ठीक है, ओके।